आपको बता दें उत्तराखंड सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है। कोरोना के नए वेरिएंट के नियंत्रण के लिए सतर्क हो गई है उत्तराखंड सरकार। आपको बता दें भीड़ वाले स्थानों पर आज से मास्क अनिवार्य हो गया है। अस्पतालों में कोविड जांच अनिवार्य हो गई है। एसओपी हुई है जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने जारी की एसओपी। सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कोरोना सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जो जांच होती है वो अनिवार्य कर दी गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में ये जांच होगी। राज्य में बूस्टर डोज लगाने का अभियान चलाया जाएगा। अब इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को लेकर एसओपी जारी कर दी है, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और अधिक जानकारी देने के लिए सोनू सिंह से बात करेंगे। जी सोनू, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने अब कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की तैयारी कर ली है और भीड़ वाले स्थानों पर आज से मास्क अनिवार्य कर दिए हैं और जो भी अभी जो वहां पर मौजूद है लोग जिनको कोरोना का डर है, शंका है, पॉजिटिव होने की बात कही जा रही है, उनके सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से जाँच की जाएगी और राज्य में अब बूस्टर डोज लगाने का भी अभियान चलाया जाएगा। क्या अधिक जानकारी सोनू सिंह? शानिसा, मुख्यमंत्री ने इस कोरोना के इस पूरे के पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इस पर एक अधिकारी के साथ मंथन किया है और इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। खास तौर पर मुख्यमंत्री, सचिव और विभागीय मंत्री जब इन्होंने मंथन किया तो साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी नए वेरिएंट की आशंका है, संभावना है, उसके नियंत्रण के लिए पहले से ही कदम उठा लिए जाए, जिसमें मुख्य रूप से फोकस जो है वो ये है कि एक तो जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को एक बार फिर से जागरूक किया जाए। दूसरा ये है जो टेस्ट हैं वो अनिवार्य रूप से किए जाएं। जो भी हॉस्पिटल्स में, खासतौर से सरकारी हॉस्पिटल्स में जो कुछ बीमार लोग पहुंच रहे हैं तो उनका ये कोरोना का टेस्ट जरूर करा लिया जाए। तीसरा जो पहलू है वो ये है कि जो एसओपी जून माह में केंद्र सरकार ने जारी की थी उसी को रिट्रीट करके उसको सभी जिलाधिकारियों को और खास तौर पर सीएमओ को वो भेज दी गई है, एसओपी यानी जारी कर दी गई है और सतर्क रहने के लिए कहा है। और देखिए, स्वास्थ्य महकमे में कोरोना के एहतियातन तौर पर यदि आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है तो उसका भी तत्काल उसको सुनिश्चित कर लिया जाए। अगर केंद्र सरकार से सहयोग की जरूरत है तो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जाए और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में तो राज्य सरकार इसको सुनिश्चित कर ले, ये कहा गया है। दूसरा जो बूस्टर डोज है उसको लगाए जाने के लिए कैंप शुरू किए जाए अलग अलग स्थानों पर, ताकि जो बूस्टर डोज से जो लोग रह गए थे या जिनकी नहीं लग पाई थी या जिन्होंने नहीं लगवाई थी वो बूस्टर डोज लगा सकें। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं ताकि जो नया वेरिएंट है कोरोना का उस पर नियंत्रण पाया जा सके, उसकी रोकथाम की जा सके। स्वास्थ्य महकमा, राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट नजर आ रही है, सतर्क हो गया है स्वास्थ्य महकमा। मुख्यमंत्री स्वयं, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है शानिता कि जो मुख्य सचिव है वो नियमित रूप से कोरोना से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं इनकी मॉनिटरिंग करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो कोरोना से जुड़े हुए हैं जिस पर उत्तराखंड की राज्य सरकार, स्वास्थ्य महकमा सतर्क और अलर्ट नजर आ रहा है। जी शानिता जी, सोनू, निश्चित रूप से आपने जो जानकारी दी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और एक बार लंबे समय बाद फिर से उत्तराखंड में सख्ती देखने को मिल सकती है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिला अधिकारियों को कोरोना से बचाव नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि खांसी जुकाम से पीड़ित सभी रोगियों की कोरोना जाँच की जाए, सभी का विवरण पोर्टल में प्रविष्ट किया जाए। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी रोकथाम के लिए बूस्टर डोज लगाने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण का जो कैंप लगाया जाता था पहले, अब वो फिर से लगाया जाए। कोरोना के जो भी नए मामले सामने आते हैं उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, ऐसे आदेश निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। आपको बता दें राज्य में बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान चलाया जाएगा और उत्तराखंड में अब सरकार सख्त दिख रही है कोरोना के नियंत्रण को लेकर, नए वेरिएंट को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है। भीड़ वाले स्थानों पर अब मास्क अनिवार्य कर दिया गया है उत्तराखंड में और अस्पतालों में कोविड जांच अनिवार्य कर दी गई है, जिसके लिए एसओपी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने एसओपी जारी कर दी है। सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कोरोना अपडेट बता रहे हैं अभी तक का
उत्तराखंड से। सोनू आप बने रहिए अगली खबर पर हमारे साथ।